नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। आखिरकार रूस ने किया यूक्रेन पर हमला, हो सकती है भारी तबाही। नाटो देश में भी मची खलबली। रूस के लाखों सैनिकों ने यूक्रेन को घेर लिया है। यूक्रेन में देश के सैकड़ों स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जिनमें से बहुत से स्टूडेंट आज भी वहीं पर हैं। अमेरिका की चेतावनी भी नहीं आ रही काम, रूस ने छेड़ा युद्ध। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच हमले की संभावना बनी हुई थी। रूस की सेनाएं यूक्रेन के दो राज्यों पर अपना कब्जा जमा चुकी हैं। अब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, या यूं कहें कि रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले से इस बात को महसूस किया जा रहा था कि रूस अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है और यूक्रेन पर हमला करेगा। इस दौरान जो घटनाएं चल रही हैं, वह भी युद्ध की तरफ साफ संकेत दे रही हैं। वह भी लड़ाई का ही रूप ले रही थी। रूस की सेनाएं यूक्रेन के चारों तरफ डेरा डाले हुए हैं। सेनाएं यूक्रेन की तरफ लगने वाले रूस ने यूक्रेन के दो प्रांतों को स्वतंत्र करने की घोषणा भी कर दी थी। दूसरी तरफ देखते हैं कि अमेरिका और उसके साथी देशों ने भी युद्ध के संभावित खतरे को देखते हुए, संभावित आक्रमण को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, और मित्र देशों ने भी अपनी सेनाएं तैयार कर ली थी। पूरी तरह से दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी थी। अब दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। आपको यह भी बता दें कि जिन देशों के पास वीटो पावर है, उन्होंने यूक्रेन का साथ देने की घोषणा की थी। बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। उधर रूस ने कहा है कि यह युद्ध नहीं है, यह लोगों को मानवाधिकारी के लिए बड़ी कार्रवाई है। इसी चरण में रूस ने दो प्रदेशों को स्वतंत्र करने की घोषणा की है। दूसरी तरफ युद्ध में होने वाले ब्लास्ट की भयामह तस्वीरें सामने भी आने लगी हैं, जिसमें यूक्रेन में बहका माहौल सामने आ रहा है। हालांकि बाइडन ने कहा है कि उनका रूस से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन नाटो क्षेत्र में हर इंच की रक्षा करने का संकल्प उन्होंने लिया हुआ है। बाइडन ने उन रिपोर्टों का भी जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि रूस यूक्रेन के साथ लगती सीमा के पास ब्लड की आपूर्ति को स्टॉक कर रहा है। इसी के साथ बाइडन ने कहा है कि जब तक आप युद्ध शुरू करने का इरादा नहीं रखते, तब तक आपको ब्लड की आवश्यकता नहीं है। यानी पुतिन के इरादे साफ हैं, जिससे पता चलता है कि रूस युद्ध की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, मैं एक बात से और अवगत कराना चाहूँगा आपको कि पिछले कुछ दिनों से हार्ट अटैक के पेशेंट निरंतर बढ़ ही रहे हैं। हमें रोज़ आजकल, कल रात को भी एंजियोप्लास्टी हुआ है, दिन में दो पेशेंट हार्ट अटैक के रोज़ आ रहे हैं। तो इसका रीज़न स्ट्रेस और स्मोकिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज है। प्लीज़ कोविड के बाद, डेंगू के बाद अब हार्ट अटैक का एपिडेमिक ना आ जाए, इसका ध्यान रखें। और हम चाहेंगे आपसे कि आप स्वस्थ रहें, अटैक से बचे रहें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि सारी सर्विसेज हार्ट से रिलेटेड ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत में अवेलेबल हैं। एंजियोग्राफी, स्टेंट डालना, एंजियोप्लास्टी, सारा कुछ अवेलेबल है। खरखौदा में भी ये सारी सर्विसेज सेठी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, और हफ्ते में चार दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार मैं खरखौदा में आता हूँ। कोई भी मरीज किसी भी तरीके से हमें कहीं दिखाना चाहे तो हम अवेलेबल हैं, आपके साथ हैं। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।